हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद संगीता। आज हम आलू की बहुत ही टेस्टी पापड़ी बनाएंगे, जिन्हें आप एक महीने तक के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा ली है और मैंने आधा कप सूजी ली है। और अब इसमें हमें डालना है नमक। यहाँ मैंने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड किया है। और अब हम डालेंगे अजवाइन। तो आधा चम्मच अजवाइन ली है मैंने और इसे हमें क्रश करके डालना है। तो इस तरह हथेली पर रखें और इस तरह क्रश करके इसे डालें। और अब इसमें डालना है ऑयल। तो मैंने यहाँ पर इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। और अब यहाँ पर मैंने ये 1 कप कद्दूकस किए हुए आलू इसमें ऐड किए हैं। उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने ग्रेटर की हेल्प से घिस लिया है। ये मीडियम साइज़ के 4 आलू हैं और इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। इस आटे को आप आलू की हेल्प से ही लगाने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें ज़रूरत हो तब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मुझे यहाँ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है। अगर आपको इसमें ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आटा लगा के तैयार करना है। आटे को अच्छी तरह आप चिकना कर लीजिए। अब ये आटा लग के तैयार हो गया है तो हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रखेंगे। और अब 15 मिनट बाद आटा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। हमने इसमें सूजी डाली थी, वो भी अच्छी तरह फूल गई है। तो अब मैंने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इस आटे में से थोड़ा सा ये आटा लिया है। और अब इस तरह इसको लंबा लंबा कर लें और छोटी छोटी लोइयां तोड़ के तैयार करें। यहाँ हमें बहुत ही छोटी छोटी लोइयां तोड़नी है, ज़्यादा मोटी लोई नहीं तोड़नी है। अब ये मैंने इस तरह इनको तोड़ के तैयार कर लिया है। सारे आटे से हम इसी तरह की लोई तोड़ेंगे। और अब लोई उठाएँ और दोनों हाथों के बीच में रखकर इस तरह इसकी गोल गोल लोई तैयार करें। और अब इसी तरह सभी को बना के आपको तैयार कर लेना है। और अब मैं यहाँ आपको इन्हें बेल के दिखा देती हूँ। तो मैंने चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है, आप चाहें तो सूखा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये लोई हमें बेल लेनी है। यहाँ हमें इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। सभी तरफ से इसे एक जैसा बेल के तैयार करना है। अब ये मैंने ये पूरी बेल ली है तो एक फॉक लीजिए और उसकी हेल्प से इसमें इस तरह छेद कर लीजिए। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह छेद करेंगे इसमें। इससे क्या होगा कि ये ऑयल में जाने के बाद फूलेगी नहीं और पापड़ी बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। और अब मैंने दोनों तरफ इसमें छेद कर लिए हैं। इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह हम सारी पूरी बेल के तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस पर ऑयल गरम करने रखा है, ये आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डो डालकर इसमें चेक किया है कि ऑयल कितना गरम है। तो ऑयल हमारा मीडियम हॉट है, हमें ऐसा ही ऑयल चाहिए, ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल हमें नहीं चाहिए। अब ये पूरी मैंने इसमें डाल दी हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और लो फ्लेम पर धीरे धीरे इनको अब आप फ्राई होने दीजिए। ये अब आप देख सकते हैं कि जो ये हमारी पापड़ी हैं वो धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ऑयल ऐसा ही गरम चाहिए, ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल हमें नहीं चाहिए। 2-3 मिनट बाद आप इनको एक तरफ से पलट दीजिए। ये देखिए मैंने इनको पलट दिया है। अगर आप इन्हें ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में तल के तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सिक गई हैं, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और आपकी पापड़ी खस्ता नहीं बनेंगी। और गैस का फ्लेम आपको इसमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही इनको हमें धीरे धीरे फ्राई होने देना है, जिससे ये अंदर तक सिक कर तैयार हो और एकदम खस्ता बने। जिस तरह मैं इन पापड़ी को पलट पलट कर सभी तरफ से सेक रही हूँ, इसी तरह आपको सेकना है ताकि से सभी तरफ से कलर एक जैसा आए और पापड़ी अच्छी सिक कर तैयार हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अब ये पापड़ी सिक कर तैयार हो गई हैं, काफ़ी अच्छा कलर आया है इनका। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं।
तो इनको निकालने के लिए इस तरह कढ़ाई पर थोड़ी देर रोक के रखिए जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, और फिर टिश्यू पेपर पर इन्हें आप निकाल लीजिए। और अब ये मैं दूसरा बैच भी कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने पापड़ी कढ़ाई में डाल दिए हैं। एक बार में जितनी पापड़ी आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी आप डाल दीजिए। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और इन पापड़ी को अब हम धीमे धीमे सिकने देते हैं। थोड़ी देर हमें इनको बिल्कुल टच नहीं करना है। जब ये नीचे से हल्की सी सिक जाएंगी, ऊपर आने लगेंगी, तब हमें इन्हें पलटेंगे। और इसी तरह पलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेक कर तैयार करेंगे। अब ये सिक गई हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है इनका। तो बस अब इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं सेकेंगे, तो बस हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरह सारी पापड़ी हमें सेक के तैयार कर लेनी है। सभी पापड़ी को सेकने के बाद इन्हें ठंडा होने दीजिए। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो आप एयर टाइट कंटेनर में इनको भरकर स्टोर कर सकते हैं और आराम से एक महीने तक इन्हें खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।